वीडियो नंबर 26 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अवॉइड करने से ओसीडी कैसे बढ़ जाती है। इससे पहले आपने 25 वीडियो देखे हैं, उनमें भी अद्भुत टिप्स मैंने बताए हैं। आज हम 26वां टिप्स जानेंगे और साथ ही साथ आप प्रकृति के सौंदर्य का नजारा भी देंगे। इस वक्त हम हैं लेह लद्दाख में और हम अभी यहाँ पर कौन सा था वो भूल गया नाम, फिर मैं खाटूंगला जा करके आए हैं और वहीं से वापस आ रहे हैं। तो वापसी का ये दृश्य है और साथ ही साथ आप दृश्य भी देखें और झरने, पानी के झरने बह रहे हैं, पानी पहाड़ों के बीच में से आ रहा है। जयराम जी, विजेंद्र जी और शिवानी जी और उनकी माता जी हमारे साथ में हैं। आप पूरा अद्भुत दृश्य देखते जाएं और सामने सड़क बड़ी खतरनाक है, इतनी खतरनाक सड़क है कि यहाँ पर चलना काफ़ी दुर्लभ सा लग रहा है। लेकिन मेरी चिंता अभी बड़ी नहीं हुई है, कंट्रोल में है, क्योंकि हम इसी रास्ते से पहले जा चुके हैं। तो आज बात करेंगे कि अवॉइड करने से, अवॉइड करना मतलब अगर हम आना अवॉइड कर देते तो हमें लगता कि हम ठीक हैं, लेकिन जब तक सामना नहीं करेंगे तब तक हमें अपनी सामर्थ्यता का, अपनी प्रतिभा का पता नहीं चलेगा। ओसीडी वाले यही गलती करते हैं। जैसे जिसको गंदगी से प्रॉब्लम है, जिसको लेटरिंग से, पेशाब से, जिनको खून से प्रॉब्लम है, किसी को HIV से, रेबीज से प्रॉब्लम है या भगवान से डर लगता है, तो वो क्या करते हैं कि जहाँ से प्रॉब्लम होती है, चिंता होती है, उनको अवॉइड करने लग जाते हैं, वहाँ पर जाते ही नहीं है। जैसे ओसीडी वाले बाहर इसलिए निकलते ही नहीं है कि बाहर जाएंगे गंदगी लग जाएगी, तो बाहर जाना ही बंद कर देते हैं। तो अवॉइड करने से उनको लगता है कि वो ठीक हो रहे हैं, बाहर नहीं गए तो अब उनको कोई कंपल्शन नहीं करना पड़ रहा है। तो वो एक सिद्धांत के ऊपर चलते हैं कि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ना निकलेंगे बाहर ना गंदगी का वहम आएगा, ना गंदगी लगेगी और ना उस तरफ रखना धोना पड़ेगा, गड्ढे हो सकते हैं। तो इसलिए वो बाहर निकलना ही अवॉइड करने लग जाते हैं। लेकिन बाहर निकलना अवॉइड करना गलती है, इस गलती से वो ज्यादा बीमार हो रहे हैं, क्योंकि लाइफ में कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। जब बाहर निकलेंगे तो वो कंपल्शन कर लेंगे, तो वो कंपल्शन को मैनेज करने का एक तरीका है अवॉइडेंस। लेकिन अवॉइडेंस ही अपने आप में ओसीडी को बढ़ाने वाला काम है। तो जब आप जीवन में अवॉइड करने लगे, बचने लगे, या आपको लगे कि हम तो जहाँ से घबराहट होती है, चिंता होती है, उन चीज़ों से बच लेंगे, तो जब आप बचने लग जाते हो तो समझ लीजिए आप बीमारी की गिरफ्त में ज़्यादा जा रहे हो, ओसीडी में आप फंसते जा रहे हो। आज के वीडियो में टिप्स यही है कि आपने अवॉइड नहीं करना है, सामना करना है, फाइट करनी है। आपको जिन भी चीजों से डर लगता है, गंदगी से डर लगता है, गंदगी से सामना करें, मुकाबला करें, मुकाबला करें। बार बार उन्हीं चीजों को छुए जो गंदी लगती है। बीमारी से डर लगता है, बार बार जिनसे बीमारी से डर लगता है उसको रिपीट करें और मन में सोच लें कि बीमारी हो चुकी है, गंदगी लग चुकी है, घर गंदा हो चुका है, गंदगी फैल चुकी है। उसे मान के चलें, उसको स्वीकार कर लें कि ऐसा हो चुका है। तो ये हुआ एक्सेप्टेंस और फाइट, ये बार बार वही काम करें। तो अगर ये दो काम आप करते हो, एक तो एक्सेप्ट कर लेते हो कि सब कुछ गंदा हो चुका है या जो जो डर है वो हो ही चुका है, और दूसरा आप सामना करते हो, बार बार वही करते हो जिनसे मन कहता है कि बचो, दूर भागो। अब दूर नहीं भागते हैं, आप उन चीजों की तरफ भागते हैं। तो चीजों से दूर भागना ओसीडी है, चीजों की तरफ भागना इलाज है। गंदगी से दूर भागना बीमारी है, गंदगी की तरफ जाना ही इलाज है। तो गंदगी से दोस्ती करना इलाज है। तो ये इलाज और भी बेहतरीन तरीके से आपको मिलता है भगवत गीता कोर्स में। आज की इस वीडियो में इतना ही। आज का टिप्स कैसा लगा, यात्रा के दौरान के दृश्य आपको कैसे लगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।